बीजेपी एमएलए ने पश्चाताप में मुड़वाया सिर, फिर छोड़ दी पार्टी, मंदिर जाकर किया शुद्धिकरण यज्ञ। जी हाँ, आशीष दास पिछले 2 साल से त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्पल देव के घोर आलोचक रहे हैं। उन्होंने पहले भी ममता बनर्जी की तारीफ की थी और कहा था कि वह प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे ज्यादा योग्य हैं। ऐसी अटकलें हैं कि दास जल्द ही तृणमूल कांग्रेस में शामिल होंगे, जिसकी नजर त्रिपुरा चुनाव पर है। 2023 की शुरुआत में त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव होने हैं। आशीष दास ने कहा, आज मैंने भाजपा सरकार के कुशासन के पश्चाताप के रूप में अपना सिर मुंडवाया है। मैंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया है और मेरा अगला कदम समय तय करेगा। लेकिन भाजपा के नेतृत्व वाले शासन में त्रिपुरा में जिस तरह से अराजकता और कुशासन देखा गया है, उसने मुझे ऐसा करने को मजबूर किया है। इसीलिए पिछले 2 वर्षों में मैं इन सभी गलत कामों का आलोचक रहा हूँ। मैं पार्टी और राजनीति से परे लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। इस बीच त्रिपुरा भाजपा के सूत्रों ने NDTV को संकेत दिया है कि पार्टी दास के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगी। कोलकाता में मीडिया से बात करते हुए उत्तरी त्रिपुरा की सूरमा विधानसभा सीट से विधायक दास ने अधिकांश सरकारी संपत्तियों को निजी पार्टियों को बेचने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी आलोचना की है।